कि बच्चों की जितने बैठे हैं सारे छोटे हैं मेरे से और बड़ी मोहब्बत है इस गर्मी के मौसम में जिस तरह हम लोग इकट्ठे हुए, ये वो जज्बा है जो नजर आ रहा है। और आज मुझे यकीन करें यकीन और जगह है कि इंशाल्लाह जो ये तहरीक मैंने चलाई थी आज से चार महीने पहले अकेला था मैं, बिल्कुल जिस तरह गेम साहब कह रहे हैं फर्दे मायन था, मैं अकेला चला था और अभी बहुत बड़ा काफिला हो गया। और आज जब मैं खड़ा हूँ रैली से दो दिन पहले तो मुझे पूरा यकीन हो रहा है कि इंशाल्लाह हम अपने मुतालबात मना करेंगे। थोड़ी सी मैं इसके पस मंजर पे इस पे आवाज आ रही है इसके ऊपर मैं बात करूंगा कि हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं है। ये तहरीक मुल्तान की आवाज या आवाज मुल्तान कुछ कहते हैं लोग इसे, ये मेरी सोच थी 11 मार्च से शुरू की थी, अकेला था मैं और चलते चलते मैं सिविल सोसाइटी के तमाम तबकात जिसमें ये हमारे प्यारे अजीज भाई सारे शामिल हैं ये सब शामिल हो गए। मुझे लोग कहते थे कि आप अकेले हैं क्या करेंगे, मैंने कहा मैं हक की बात कर रहा हूँ, मुझे कोई इंसान इस पे मुझे झूठा कर दे कि मेरा मुतालबा गलत है और मेरा मुतालबा सिर्फ एक है, वन पॉइंट एजेंडा है तहरीक आवाज मुल्तान का, क्या जो मर्जी सुबह बनाए उसका जो मर्जी नाम रखें लेकिन उसका दारुल खिलाफा उसका कैपिटल सिर्फ मुल्तान होना चाहिए। yes, जितने भी सियासी लीडर हैं हमारे हमारे काबिल एहतराम मेहमान जी 6 MLA और 12 MP हमने यहाँ से मुल्तान दे दिए हुए हुकूमत को, 6 MLA 12 MP इनकी मौजूदगी में हमारे हक तलफी हो रही है और बहावलपुर को सेक्रेटेरिएट जा रहे हैं। इसका मतलब है कि जब सुबह अनाउंस होगा तो बहावलपुर कैपिटल होगा, कम अज कम हमें ये मंजूर नहीं है। बहावलपुर हमारा जिसम का हिस्सा है, हमारे वसीयत का हिस्सा है, हम सिर्फ ये कहते हैं कि मेरिट पे फैसला करें। दो भाइयों में भी जब जायदाद का कोई तनाजा हो जाता है तो पंचायत बैठती है तो मेरिट पे फैसला होता है, हम ये चाहते हैं कि मेरिट पे फैसला करें, आप हमारे पर सियासी फैसला मत थोपे, आप बेशक रेफरेंडम करा लें जनूबी पंजाब में, जो ज्यादा अक्सरियत का फैसला होगा हमें वो मंजूर होगा और मुझे यकीन है अगर रेफरेंडम गवर्नमेंट करा लेगी जो नहीं कराना चाहती डरते हैं वो, क्योंकि उसका 80-90% लोगों का जो उसमें वोट होगा वो मुल्तान का तो यहाँ हो सकता है कि बहावलपुर बहावलनगर रीगर साइड के बच्चे बैठे हो, मैं बार बार क्लियर करना चाहता हूँ हम कोई बहावलपुर और उस इजलास के दुश्मन नहीं है, हम सब ये कहते हैं कि एक जब भी कोई पॉलिसी पैरामीटर्स होते हैं जिसमें नए सूबे बनाए जाते हैं तो उनमें जो बड़े शहर होते हैं उनको मुंतखब किया जाता है, उनको नुमाइंदगी दी जाती है और उसमें उसका दारो खिलाफा बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखें काफ़ी बड़ा शहर है, 28-30 लाख आबादी है, बहावलपुर की 5 लाख आबादी है, यहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, हॉस्पिटल्स देख लें, एयरपोर्ट देख लें, सी पैक वाटर पे बिल्डिंग्स देख लें, यहाँ पे कम से कम खर्चे में सेक्रेटेरिएट बन सकता है और कैपिटल भी बन सकता है। तो मैं अकेला चला था ये आवाज था कि और अभी इतना मशहूर हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह कल मैं ये चौक से बाहर से गुजर रहा था चौक के अंदर से तो वहाँ पे कुछ आप जैसे नौजवान खड़े थे तो उन्होंने गाड़ी देखी और उन्होंने नारे मारे शुरू कर दिए मुल्तान की आवाज मुल्तान की आवाज, तो अल्लाह ने इतना क्योंकि नियत ठीक है अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है कि अभी लोग मुझे नाम से नहीं लेते कहते मुल्तान की आवाज आ गए। मुझे कोई
नहीं, मैं जो भी कर रहा हूँ हर चीज एक एक फाइल मैं अपनी जेब से बात कर रहा हूँ, मुझे कोई फंडिंग नहीं होती और वो मैं इन जवानों में कर रहा हूँ। Yeah.